हेलो दोस्तों, आज हम बहुत यूज़फुल किचन टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। इन किचन टिप्स के इस्तेमाल से आप बहुत सारे फूड्स को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बताए गए टिप्स को आप ज़रूर ध्यान दें और उसे इस्तेमाल करें। इससे आपके बहुत सारे फूड वेस्ट होने से बच जाएंगे। तो आइए देखें इन टिप्स को। गोलगप्पे तो आप सभी ने बनाया ही होगा, पर गोलगप्पे कई बार हवा लगने से या पानी पड़ने से नरम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो गोलगप्पों को आप किसी पैकेट में डालकर रबर बैंड लगाकर इसे स्टोर करके रखें। उसके बावजूद भी कई बार गोलगप्पे नरम पड़ जाते हैं, तो इन नरम पड़े हुए गोलगप्पों को कैसे हम वापस क्रिस्पी करें? सबसे पहला तरीका उनके लिए है जिनके पास माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव को सबसे पहले हम प्रीहीट करके गर्म कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम माइक्रोवेव को बंद कर देंगे और बंद करके, ये देखिए मैंने अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है। अब एक प्लेट में गोलगप्पों को रख लें, जितने भी नरम पड़े हुए गोलगप्पे हैं उन्हें एक प्लेट में रख लें और इस प्रकार से अंदर डाल दें। माइक्रोवेव अभी हमारा अच्छा गर्म है, तो इस गर्म माइक्रोवेव के अंदर डालकर बंद करके रख दें। हमें ऑन नहीं करना है माइक्रोवेव को, बंद करके सिर्फ छोड़ देना है इसी में। 15 से 20 मिनट में हमारे गोलगप्पे अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद ये प्लेट बाहर निकाल लें और खाने के 15-20 मिनट पहले इसे रख दें, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये जो दूसरा तरीका है, ये उनके लिए है जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है। तो एक पैन को हाई हीट में 5 मिनट तक गर्म कर लें और गैस को बंद कर दें। और एक प्लेट में जो गोलगप्पे हैं उन्हें रख लें। प्लेट में भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट पैन में भी डाल सकते हैं। डालकर बस छोड़ देना है, ढकना नहीं है हमें इसे, सिर्फ डालकर हमें इसे छोड़ देना है गर्म पैन पे। तो इस तरह से भी जो गोलगप्पे हैं वो वापस क्रिस्पी हो जाते हैं। अब जो तीसरा तरीका है, सबसे आसान तरीका है, प्लेट में गोलगप्पों को रखकर धूप में रख दें आधा घंटे के लिए। तेज़ धूप में रहने के कारण गोलगप्पे वापस वैसे ही क्रिस्पी हो जाते हैं। आप देखेंगे कि गोलगप्पे पहले से भी ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं इन तरीकों से। इडली बनाने के बाद हमें इडली निकालने की हड़बड़ी होती है, तो हम इडली को गर्म गर्म निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए प्लेन प्लेन और अच्छे से इडली कैसे निकालें ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, अच्छे से ठंडा पानी लिया है, और उसमें मैंने एकदम शार्प जो स्पून होता है बड़ा वाला, उसकी एजेस जो है अच्छे से शार्प है, इस तरह के स्पून को लेना है और उसको पानी में इस तरह से डुबा कर हम इडली को झट से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी टूटेगी नहीं इडली और एकदम क्लीन क्लीन निकलेगी आपकी इडली एक बार में। ये देखिए, एकदम गर्म इडली को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी कहीं से टूटी नहीं है या चिपकी नहीं है और एकदम क्लीन निकल रही है। बस यही ट्रिक को आपको यूज़ करना है और इस तरह से जो इडली है वो एकदम क्लीन निकलेगी और गर्म गर्म भी आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि डोसा या हम चीला बनाते हैं वो तवे में चिपकता है, अच्छे से प्लेन नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में अच्छे से ठंडा पानी लिया हुआ है फ्रिज का, और उसमें मैं इस तरह से जो पलटा है उसे डुबाऊंगी और डुबा कर हम इसको जो चीला या डोसा जो भी होगा उसके में से इस तरह से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, इससे जो है जो चिपका हुआ होगा वो आसानी से निकल जाएगा और हमारा जो डोसा या चीला है वो क्लीन एकदम निकलेगा और आसानी से पलट जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया और जो चिपका हुआ था वो अच्छे से निकल गया। अब जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी, इसमें आप नमकीन को या बिस्किट को, जो बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं इस मौसम में, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, अच्छे से क्रिस्पी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन को रख दें और उसके ऊपर एक ट्रे रख दें। इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से गर्म करें। ये देखिए, मैं पानी छिड़क के दिखा रही हूँ, अभी पैन अच्छे से गर्म हो चुके हैं और मैंने गैस बंद कर दिया है। और इस तरह से बिस्किट को अरेंज करके हम यहाँ पर रख देंगे और इसे ढकेंगे नहीं और इसी तरह से हम छोड़ देंगे इसे। अब इसे जब तक इसी में छोड़ दें और थोड़ी देर में आप देखेंगे जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो मैं ये आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ठंडा होने के बाद। ये देखिए, ये कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है पूरी बिस्किट हमारी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में प्री हीट कर लें और प्री हीट करके ट्रे को उसके अंदर डाल दें
बस बिस्किट आपके कड़क हो जाएंगे थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद। तो माइक्रोवेव में इस तरह से करें और बिना माइक्रोवेव के इस ट्रिक से आप नमकीन को, बिस्किट्स को और बाकी सब चीज़ों को भी क्रिस्पी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि जो ढोकला बना जब हम बनाते हैं कई बार तो ढोकला लाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ। मैं हल्दी को यहाँ पे एक कटोरी में डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे हम और इसे मिक्स करेंगे। देखिए हल्दी का कितना चटक रंग आया है। जो हल्दी में एक ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो एसिड के साथ और पानी के साथ मिलकर एकदम चटक येलो कलर देती है, जबकि यही हल्दी सोडा जब हम इसमें डालते हैं तो वो सोडा के साथ रिएक्ट होकर एकदम रेड कलर बनाती है। तो हल्दी बेस के साथ जब मिलती है तो रेड कलर देती है और एसिड के साथ मिलती है तो एकदम चटक येलो कलर देती है। तो जब हम ढोकला बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम हल्दी डालकर उसे अच्छे से नहीं फेंटते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो बैटर में मौजूद रहते हैं। तो जब हम उसमें सोडा डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। वो ऐसे तो पता नहीं चलता लेकिन जब बनने के बाद जो है वो पूरी तरह से रेड हो जाती है। तो इसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी निकाल कर पानी में डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसको मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने सोडा इसमें डाल दिया। देखिए सोडा डालते ही हल्दी का कलर चेंज हो गया, पूरा लाल हो गया। यही कारण है कि जब हम ढोकला बनाते हैं तो वो लाल हो जाता है। कई बार जो हल्दी के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से बैटर में मिक्स हुए नहीं रहते और हम उसमें सोडा डाल देते हैं तो वो दोनों रिएक्ट कर जाता है और लाल कलर बना लेता है। तो इससे बचने के लिए आप हल्दी को या तो पानी में मिक्स करके पहले डालें बैटर में, या ऑयल में मिक्स करके डालें बैटर में। इससे जब अच्छे से मिक्स हो जाए जब बैटर में हल्दी, तब आप उसमें ऊपर से सोडा डालें। सोडा भी डालना है तो सोडा को थोड़ा सा गर्म पानी में घोल कर उस बैटर में डालें, उससे वो अच्छे से मिक्स होगी बैटर में और ढोकला जो है वो बनने के बाद रेड नहीं होगा। और अगर आप जल्दी जल्दी ढोकला बना रहे हैं, आपके पास फेंटने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप येलो फूड कलर डाल सकते हैं चुटकी भर। इससे आपको बिल्कुल भी ढोकला लाल होने का टेंशन नहीं रहेगा। अगर मेरी बताई गई किचन टिप्स आपको अच्छी लगी हो और लग रही हो ये यूज़फुल है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।